दिलदा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। टेबल पे बैठ के ना सिद्धू बाजी 8:30 बजे चाय पिया करते थे, 4 साल यहाँ पे रोटी खाई है। तो क्या खाते थे अंकल जी इनमें से रेगुलर? वो तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ढाबे पे आपको कई गाने सुनाए होंगे उन्होंने। हाँ जी हाँ जी। तो यार अभी मैं खड़ा हूँ सिद्धू मूसे वाला बाजी के कॉलेज के बिल्कुल बाहर और आपको लेकर जा रहा हूँ उनके ऐसे फेवरेट ढाबे पे जहाँ पे उन्होंने भाई रोज रोटी खाई है। ऐसा कमाल का फूड मिलता है ना कि सिद्धू मूसे वाला बाजी तो फैन थे ही, जितने भी स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर पढ़ते ना भाई सारे उस ढाबे के फैन है। ऐसी कमाल की चाय, ऐसे कमाल के पराठे, ऐसे कमाल की थाली, फटाफट आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। तो यार आपको सीधा ले आऊं सरदार ढाबा के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे तंदूर के अंदर पराठे लगाए जा रहे हैं एकदम बड़ी। अंकल सत श्रीकाल जी। ये देखो तंदूरी पराठे लगाए जा रहे हैं इधर। अंकल जी, अंकल सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी महाराज। थैंक यू अंकल, सबसे पहले तो आपने मेरा टाइम दिया जी, धन्यवाद जी। ये देखो भाई दाल, अंकल दाल मां लगाई जा रही है, दाल मखनी जी, दाल मखनी लगाई जा रही है। ये देखो चूल्हे के ऊपर, और ये देखो भाई मलाई। ढाबे पे अभी आए हो ना तो शुरुआत जो की गई है, जो आपका वेलकम किया गया है मलाई वाली दाल के साथ। ये देखो दाल मखनी। अंकल जी जितना बाकी ढाबे आजकल मलाई की जगह क्रीम वगैरह यूज कर लेते हैं, अमूल की दूध वाला मलाई पाने हैं जी। आप ओरिजिनल जो अपनी दूध की सामने रखा हुआ कड़ रहा है उसकी मलाई यूज करते हो। ये देखो भाई चूल्हे के ऊपर दाल लगाई जा रही है। अंकल जी ढाबा कितना पुराना जी अपना? अपना 58 तो है जी, 1958 से है। 1958 से भाई लुधियाना के अंदर ये ढाबा चल रहा है। और अंकल जी ऐसा की आप स्वाद दे रहे हैं कि वड्डे वड्डे जो लेजेंड है वो भी अपने ढाबे के फैन है, जो सामने यूनिवर्सिटी है वो भी अपने ढाबे के फैन है, लोग जितने भी यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ाने आते हैं इसके अलावा कहीं और खाना खाने नहीं जाते, ऐसा क्या स्वाद देते हो आप? महंगाई चूल्हे का स्वाद है जी बस। अच्छा, क्योंकि हार्ड कोक कोले से बनाने हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी जी। तो यार ये पक्के कोयले के ऊपर यहाँ पे फूड है ना जो तैयार किया जाता है। ये रोटियाँ भी देखो कोयले के ऊपर चूल्हे वाली रोटी बनाई जा रही है और एकदम बढ़िया फूल रही है। वाह ये दाल एकदम बढ़िया कड़ रही है। अंकल जब तक दाल रख रही है आप सब्जियां दिखाइए सारी क्या क्या रहती है यहाँ पे। ये ब्लैक चना है। ये आगे जी काले छोले एकदम बढ़िया होम स्टाइल काले छोले। वाह भाई तड़का अच्छे से लगा हुआ है। सर आज से ना 2 साल पहले आपकी वीडियो करी थी, आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि सिद्धू मूसे वाला भाजी का फेवरेट ढाबा है। हां जी वो फेवरेट ढाबा है जी अपना उन्होंने भाई। 4 साल आपने को ही रहने। 4 साल यहाँ पे रोटी खाई है। तो क्या खाते थे अंकल जी इनमें से रेगुलर? वो तंदूरी परांठा थे, दाल मखनी जी। तंदूरी परांठा और दाल मखनी सिद्धू बाजी का फेवरेट था। ये तो ये देखो जी यही दाल मखनी है, ये दाल फ्राई और देख के अंदर। वाह ये आलू गोभी जी। आलू गोभी जी ये रहा यहाँ का स्पेशल आलू गोभी। वाह और इस साइड के अंकल इसमें क्या है? इसमें कड़ी है जी। ये है जी सरदार ढाबे की स्पेशल कड़ी। वाह यार एकदम बढ़िया। और इसमें पकौड़े बाद में डाले जाते हैं? हाँ जी पकौड़ा बाद में डालते हैं। पकौड़ा बाद में डालते कि भाई पकौड़े का जो क्रिस्प है ना वो बरकरार रहे। तो ये दाल देखो यार मलाई वाली एकदम बढ़िया। जब तक हमने सब्जियां दिखाई दाल लगकर तैयार है एकदम बढ़िया। दाल के साथ भाई दाल मलाई से बनाई गई है और साथ में अगर किसी को मक्खन चाहिए तो अमूल का मक्खन मिल जाएगा। मक्खन नहीं दाल में डाल के देते हैं। दाल में डाल के देते हो बहुत बढ़िया यार। एक सेव भाजी की बहुत तारीफ सुनी आपकी। हाँ जी जी। सेव भाजी लगा के दिखाइए कैसी रहती है। हाँ सेव भाजी लगा रहे हैं जी। पहले इसमें क्या ऑयल? ये आ गया जी घी है या तेल अंकल क्या है? ये रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल है जी। इसमें चला गया जी लहसुन। ये आ गया थोड़ा लहसुन की बढ़िया सी कलियां। ये आ गया जीरा जी। ये जीरा आ गया। धर्मेंद्र अंकल जैसे भी हमने जिक्र किया वीडियो के अंदर की जो सिद्धू भाजी है यहाँ पे खाना खाया करते थे जब यहाँ पढ़ते थे, कितने साल आपने खाना खिलाया अंकल उनको? उनको 4 साल जी। 4 साल 12 से 16 तक। 2012 से 2016 तक जी यहीं पे खाना खाया उन्होंने जी जी। और कोई बात आपको याद हो उस टाइम की? कोई अच्छे स्वभाव का लड़का था जी। ठीक है जी। और गाने कोने भी सुना देता था कभी कभार। अच्छा हाँ जी। उस टाइम भी लिखने गाने का शौक था? हाँ जी पहले से शौक था उसको पढ़ाई के समय में। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ढाबे पे आपको कई गाने सुनाए होंगे उन्होंने? हाँ जी हाँ जी जी। तो ये देखो जी प्याज आ गया और ये पाजी का है। पाजी क्या कह रहे थे आप बताइए? ठीक है जी। चाय बड़ी पींदे सीगे रात नूं। ओके जिदा 8 बजे जिदा कई बार शनिवार नूं मुंडे चल जांदे आ जी 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 घर को इत्थे भेजे ना आके। अरे वाह। तो पाजी कह रहे हैं इस टेबल पे बैठ के ना सिद्धू पाजी रात को 8:30 बजे चाय पिया करते थे। अरे वाह यार। और ये इधर देखो सेव भाजी लग के तैयार हो रही है बहुत ही बढ़िया। टमाटर ये आ गया जी टमाटर। अरे धर्मेंद्र अंकल एक बात पूछनी चाहूंगा, जैसे जिस टाइम आप बता रहे हो 2012 से 16 तक जी तब वो इतने मशहूर नहीं हुए थे? नहीं जी नहीं। आप उनको किस नाम से जानते थे? वो तो सिर्फ वो नाम था शुभदीप जी। अच्छा हाँ जी जी। तो जो असली नाम मुसेवाल करके जानता नहीं थी कोई। तो जो असली नाम था शुभदीप आप उस नाम से जानते थे, उसके बाद भाजी नाम इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में फैल गया वो। ये आगे थोड़ी सी हल्दी। ये थोड़ी हल्दी आ गई भाई जो
इस ढाबे में स्वाद है ना पूरा इत्मीनान से बनाया जाएगा। इधर अंकल जी देखो लगातार पराठे निकालते जा रहे हैं, तंदूरी रोटियां लग रही हैं। और अभी इसमें आप इसको सेव बोलते हैं, सेव भाजी बोलते हैं। ये देखो जी हलवाई की सेवियां, कोई हल्दीराम की बीकानेरी नहीं, हलवाई वाली सेवियां देसी। और ये आगे भाजी के अंदर, और सर मैंने देखा ऑलमोस्ट हर सब्जी में दूध भी आप डालते हैं। ये देखो भाई, ये देखो दूध आ गया भाजी के अंदर, वाह। और ये कलर देखो भाई क्या आया, बहुत ही बढ़िया। जैसे कल जिस टाइम उनकी आज से 2 साल पहले डेथ हुई जी, तो आपके लिए भी एक बड़ा सडन शॉक होगा। एक बंदा आपके पास, शॉक तो होता ही है, कोई भी स्टूडेंट हो हमारे को प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि हमारे साथ 4 साल बिताए हैं उन्होंने जी। हाँ जी जी, तो मशहूर जब हो गए उसके बाद भी आते थे आपके पास खाना? दो बार आए। अच्छा हाँ जी जी, तो सिद्धू पाजीयर फेमस होने के बाद भी ना इस ढाबे पे आए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। ये ऊपर रोगन आया, और ये भाजी देखो भाई क्या कमाल की है, बहुत ही कम ढाबों पे मिलती है जो सेव भाजी है पंजाब में, और बढ़िया तो बहुत ही रेयर मिलती है। ये देखिए जी, ये लग के तैयार है, वाह। तो धर्मेंद्र अंकल तो गए जी लंच करने, बॉबी जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर क्या लगा के दिखाने वाले हो आप? हम जी आपको एक तो थाली होती है हमारे पास 70 रुपए की, 70 की, और एक थाली 120 रुपए की होती है। ठीक है जी, उसमें शाही पनीर हो गया, दाल मखनी हो गया, सेव भाजी होगी। और जो 70 वाली सर उसमें क्या होता है? उसमें एक दाल, एक सब्जी और सैलड और 4 रोटी। अरे वाह, 70 रुपए के अंदर एक दाल, एक सब्जी सलाद और 4 रोटी। 4 रोटी ठंडा पानी, मतलब स्टूडेंट के लिए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ जी, हाँ बाहर जी, हाँ से 70 रुपए में रोटी बढ़िया खा सकते हैं, बढ़िया खा सकते हैं। सर 120 वाली लगा के दिखाइए कैसे रहती है। लो जी लो, 120 वाली लो जी। तो ये देखो ये चूल्हे के ऊपर ही बनाया जाएगा। सर ये क्या लगा के दिखा रहे हैं हम आपको? शाही पनीर जी, ये यहाँ का शाही पनीर बनने जा रहा है जी। ग्रेवी आ चुकी है, और ये ऊपर आ गया एकदम फ्रेश डेयरी वाला पनीर कट करके। ये देखो यार ऊपर रोगन आ गया एकदम बढ़िया। तो ये शाही पनीर देखो यार थाली में बढ़िया से लगकर तैयार है। हाँ जी, और हाँ जी। ये बॉबी अंकल अब लगा के देने वाले जी बढ़िया देग वाली दाल, वाह। तो 120 वाली में भाई आपको मिलेगी ये दाल मखनी मलाई वाले दूध के साथ। ये देखो जी एकदम बढ़िया मलाई डल गई इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। और स्लो हीट पे यार यहाँ पे सामान बनाया जाता है, मतलब ऑर्डर में सर 5 मिनट लेट लग जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। स्वाद मिलेगी, ये देखो एकदम गर्मा गर्म दाल लग के तैयार, वाह। ये देखो यार ये दूध आ गया, और सेव भाजी लगने जा रही है। पूरी रेसिपी दिखा दी थी आपको, ये देखो एकदम बढ़िया। सर जो ये सेव भाजी है कहाँ की डिश है? ये डिश है ये हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान साइड की। हाँ जी हाँ, पंजाब में तभी सर बहुत ही कम ढाबों में मिलती है। बिल्कुल जी, ये देखो जी एकदम बढ़िया सेव भाजी लग के तैयार है। क्या लुक का ये यार थाली की, 120 रुपए की थाली। और सर प्रसादे कितने इसमें? इसमें 4 प्रसादे जी, 4 रोटियां साथ में मिलेंगी। यार ये 120 रुपए वाली स्पेशल थाली लग के तैयार है। 70 रुपए के अंदर आपको 2 सब्जियां कोई भी, आलू ले लो, छोले ले लो, चाहे दाल ले लो, मिल जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक पनीर ही चाहिए ना तो ये थाली ले लो आप, 120 रुपए के अंदर 3 सब्जियां मिल जाएंगी आपको, साथ में मिलेंगी 4 एकदम बढ़िया करारी रोटियां। अगर तवे वाली लोगे तो चूल्हे पे सेक के दी जाएगी एकदम फुला के, और तंदूरी वाली तो भाई है ही एकदम करारी रोटी। ये है यहाँ की दाल मखनी, जो 70 रुपए वाली थाली है उसमें आपको दाल फ्राई मिलेगी। भाई एकदम घुली हुई दाल है, बढ़िया फ्लेवर है, जो स्लो हीट की वजह से इसमें स्मोकी टेक्सचर आ गया ना उससे मज़ा बहुत है। जो बहुत ही ज़्यादा देसी ढाबे होते हैं ना वहाँ पे ना एकदम पतली दाल रह जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दाल की कंसिस्टेंसी बढ़िया है, प्रॉपर जो अच्छे वाले ढाबे होते हैं ना वैसा ढाबा स्टाइल दाल है। और इसी दाल के जो फैन है ना भाई वो सिद्धू मूसेवाला भाजी थे, यहाँ पे 4 साल उन्होंने लगातार रोटी खाई है। अब ये देखो जी ये यहाँ की सेव भाजी, अंकल जी ने बताया राजस्थान और हरियाणा साइड की डिश है। जो मेरे भाई राजस्थान और हरियाणा से देख रहे हैं वहाँ भी यही स्टाइल के मिलते हैं, वहाँ आपके डिफरेंट चलता है, वो ज़रूर कमेंट करके बताना। ये रही यहाँ की सेव भाजी, ओ जबरदस्त यार भाई बढ़िया। थोड़ी सौगी हो गई जो सेवियाँ सब्जी के अंदर, बट जो प्याज का क्रंच है ना वो बहुत कमाल का है यार। शाही पनीर, ये रहा यहाँ का शाही पनीर, अच्छे फ्लेवर का शाही पनीर है। ये थोड़ा टमाटर वाला फ्लेवर है इसके अंदर ज़्यादा, जैसा कि चीज़ टोमेटो में रहता है, बट यहाँ पे शाही पनीर बोला जा रहा है इसको। अगर आप फ्लेवर देखें तो ये चीज़ टमाटो के, अगर मैं चीज़ टमाटो बोलूँगा तो मैं कहूँगा बढ़िया है, अगर मैं इसको कहूँगा शाही पनीर है तो मैं कहूँगा नहीं बढ़िया है, शाही पनीर ऐसा नहीं होता भाई। और बाकी ये थाली आपको कैसे लेके मेंटेन जरूर बताना। अगर आप भी मेरी तरह सिद्धू भाजी के फ़ैन हो,
मैं तो यार यहाँ पे अपने एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट जीने आया हूँ। मैंने यहाँ की वीडियो बनाई हुई थी और मेरे को तो दोबारा यार उस ढाबे पे जाके आना, तो दोबारा वो यादें देखनी है, उस जगह पे जाना है जहाँ पे भाजी रोटी खाते थे या आते जाते थे। तो मैं इस वजह से ढाबे पे आया हूँ और यहाँ का फूड आपको दिखाया है। आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट कर बताना। और मैं एक चीज़ चाहता हूँ, जाते हुए अंकल जी को जरूर बोलूँगा कि इस थाली का नाम ना अंकल जी उनाड ग्रह थाली होनी चाहिए, 5911 स्पेशल थाली। सिद्धू भाजी ने अगर यहाँ पे आए हैं खाना खाया तो उनके नाम पे स्पेशल थाली यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप भी यही चाहते हो ना तो कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिख देना 5911 फॉरएवर। एक बाइट दोबारा सेव भाजी के साथ, इसका स्वाद तो बहुत ही शानदार लगा। क्या नहीं है?